विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, अक्सर इन लोगों को अफसरशाही को डराते, धमकाते और कई बार तो थप्पड़ मारते भी देखा गया है। ये सब आम सी बात हो चली है। खबर महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां की विधायक गीता जैन ने एक जूनियर इंजीनियर को का पहले कॉलर पकड़ा, फिर धक्का दिया और फिर थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन कैमरे के सामने विधायक को ऐसा करना क्यों पड़ा? लोग ये तो कह रहे हैं कि विधायक ने थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन इसके पीछे की क्या क्या कहानी क्या है, आज उसी पर बात करेंगे। अरे आने दे ना वीडियो। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महाराष्ट्र से आया एक वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। इसमें एक महिला विधायक दो लोगों पर बुरी तरह से बिफर रही है, एक आदमी विधायक की बातों को सिर झुकाए सुन रहा है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति खड़ा है वो कुछ कहता है और विधायक भड़क जाती है। उस बात पर महिला विधायक पहले उसका कॉलर पकड़ती हैं, फिर धक्का देती हैं और फिर उसे चाटा जड़ देती हैं। जिसे थप्पड़ लगा है वो स्थानीय नगर पालिका का जूनियर इंजीनियर बताया गया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। मला राइटिंग मध्ये तुम्ही त्यांना दिला असेल तर दाखवा, तुम्ही काय बोलले त्याच्याशी माझा मतलब नाही आहे। मी हाऊस मध्ये प्रश्न टाकणार आहे, पावसाळ्यात तुमचा जीआर असताना आमचे दोन इंजिनियर जाऊन घरं तोडतात, लहान मुलाला बाहेर खेचून फेकतात, अंदर घुसली असा लोक, अरे काय माणूस की आहे की नाही, राक्षस आहात तुम्ही? एवढी लहान लहान मुलं दिसली नाही तुम्हाला? आता का तोंड असा बंद झालाय? बोला ना, त्या दिवशी ओरडत होते ना, ओरडा नाही बोला, बिल्डर साहेब आ रहे, नाही नाही बिल्डर को भी नहीं जानता, तुम चोर नाही है, तुम चोर नाही है, चोर नाही, कुछ बोल बोल। अरे आने दे ना वीडियो। विधायक का नाम गीता जैन है और वो निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव जीती थी, लेकिन शिंदे सरकार की समर्थक बताई जाती हैं। अच्छा, अब आपको मामला क्या है और ये नौबत आखिर क्यों आई वो बताता हूँ। खबरों के मुताबिक ये लोग कथित रूप से बिना नोटिस के लोगों के घरों को तोड़ने के लिए पहुंचे थे। इसी बात पर गुस्से में आकर विधायक गीता जैन ने इंजीनियर को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश आने से ठीक पहले मीरा भायंदर महानगर पालिका में बिना नोटिस दिए लोगों के घर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने जबरन लोगों को घर से बाहर करके उनके घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय विधायक गीता जैन को दी। वो जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने कार्रवाई कर रहे इंजीनियर से घर तोड़े जाने की जानकारी मांगी, लेकिन इंजीनियर से कोई भी जवाब नहीं मिला। इस बीच उसके साथ खड़ा शख्स मंद मंद मुस्कुराता दिखा तो गीता जैन का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने चेक शर्ट वाले कर्मचारी का गिरेबान पकड़ कर खींचा और चाटा मार दिया। अरे आने दे ना वीडियो। वहां मौजूद एक शख्स इस वाक्य का वीडियो बना रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद हुई गीता जैन को यह भी कहते सुना गया कि होने दो वीडियो रिकॉर्ड। अरे आने दे ना वीडियो, अरे आने दे ना वीडियो, अरे आने दे ना वीडियो। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो विधायक गीता जैन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर आकर इस मामले में सफाई दी और बताया कि असल मामला क्या था। गीता जैन का कहना है, मीरा भायंदर विधानसभा के पेंडकर पाड़ा में 45 साल से रह रहे एक परिवार पर बड़ा अत्याचार हुआ। 15 तारीख को 2 जेई मतलब जूनियर इंजीनियर वो घर खाली करवाने पहुंचे। इनके नाम थे शुभम पाटिल और सोनी। इन्हें मैंने नियमों के बारे में बताया कि बारिश के मौसम में हम ये कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके बाद वो लौट गए, लेकिन 16 तारीख को ये फिर वापस लौटे और बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी दिए सिर्फ 3 मिनट के भीतर वो घर तोड़ दिया गया। इस दौरान घर में मौजूद महिला और बच्चों को जबरदस्त
जबरदस्ती बाहर निकाला गया। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तब मैं मौके पर पहुंची और दोनों इंजीनियरों को बुलाकर जानकारी मांगी। तब उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसा लगा जैसे ये लोग उस महिला पर हुए अत्याचार से बड़े खुश थे, मैं ये सहन नहीं कर पाई और मेरा हाथ उठ गया। हालांकि गीता जैन ने माना है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन उनके लिए सबसे पहले जनता आती है जिसका वो प्रतिनिधित्व करती हैं। वो जनता पर होने वाले अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए घटना जनता के सामने है। आप गीता जैन के इस कदम पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।